हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में करीब 6 से 7 बस स्टॉप हैं जिस पर होर्डिंग लगाई गई है, और ये होर्डिंग एनसीपी पार्टी की है, और इस पर जो है मुस्लिम लीग पार्टी की फरहत शेख ने एतराज़ जताया। पिछले दिनों इस पर फरहत शेख ने पत्र व्यवहार किया, जिसके बाद यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन थी उसे काट दिया गया था। लेकिन अब इस बस स्टॉप पर जो होर्डिंग लगी है उसको लेकर फरहत शेख ने एतराज़ जताया है। फरहत शेख का कहना है कि 10 दिन के अंदर अगर ये होर्डिंग नहीं हटाई गई तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन वही इस पूरे मामले में हमने शमीम खान से भी बात की। शमीम खान का कहना है कि नाइस वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर मंत्री जितेंद्र अवार्ड है, और इसीलिए उन्होंने मुमरा कौसा के जो बस स्टॉप है उस पर इस तरह के बैनर लगवाए हैं। इस पूरे मामले में हमने फरहत शेख, जो मुस्लिम लीग पार्टी की हैं, और एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, इन दोनों लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा है सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र की। बस स्टॉप पर जैसे आपने बात किया, जो पहले मुद्दा था उसी मुद्दे पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब पिछली बार जब हम लोगों ने बस स्टॉप की कार्रवाई के ऊपर किया था, जो प्राइवेट कंपनी है सॉल्यूशन कंपनी, उनको हम लोगों ने लेटर दिया था और उनको बोला था उनके एग्रीमेंट के हिसाब से, यानी TMT और सॉल्यूशन कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से जो 37 क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वो ये बैनर, ये स्पेस जो है वो पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं दे सकते। तो फिर भी आपने उसको दिया, और साथ ही साथ आपने इल्लीगल तरीके से वायर पीछे जो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसमें कनेक्शन देके आपने रात के टाइम पर अपनी पब्लिसिटी के लिए इल्लीगल लाइट का भी यूज़ किया। तो अभी मैं पत्रकारों के जो दबाव से और हमारे जो लेटर वगैरह जो उन तक गए थे, तो टोरेंट पर इसका काफ़ी असर हुआ, और जो यहाँ पर जो शमीम खान है जो TMT डिपार्टमेंट के मेंबर है उनके ऊपर भी इसका असर हुआ। आप अगर रात में आप यहाँ पर राउंड मारेंगे मुमरा में तो किसी भी बस स्टॉप पर जो है लाइट नहीं चालू है। तो जिस तरीके से लाइट बंद करवा दिया हमने, उसी तरीके से आप ये जो बैनर इसको भी जल्द से जल्द निकलवा देंगे। तो सबसे पहले बात बता दूँ आपको कि हमने 2 से 3 बार उनसे बात करी लेटर द्वारा, उनको बोला कि जो रूल्स में है, जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आप ये नहीं लगा सकते, आप निकालो। बट उनका ये कहना है कि हम पर जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए एनसीपी पार्टी की, यहाँ के मुमरा में जो एनसीपी पार्टी सत्ताधारी पार्टी, उनकी गुंडागर्दी देखिए कितनी है। वो लोग इतना डर है उन लोगों को कि अगर हम यहाँ पर निकालने आएंगे तो ये उनको पता नहीं क्या कर देंगे। तो वो लोगों ने बोला, हमने तो यहाँ तक बोला शमीम खान को कि आपको, आपने जितना पैसा दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो फीस, हम आपको वो रिटर्न करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये बैनर यहाँ से निकलवाइए। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकलवाया। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था, मुमरा के लोगों से वादा किया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर सीधे तरीके से काम नहीं होता है यहाँ पर तो हम जो है वो उंगली टेढ़ी करना जानते हैं। तो हमने लीगल इंटीमेशन TMT डिपार्टमेंट को भी दिया, साथ ही साथ हम लोगों ने सॉल्यूशन कंपनी को भी दिया, और उनको बोला है कि 10 दिन के अंदर अगर ये बैनर नहीं निकलता है तो इनको हम लोग कोर्ट तक घसीटने वाले हैं। शमीम भाई, बस स्टॉप जो है वहाँ पर आपकी तरफ से जो होर्डिंग लगाई गई है उसको लेकर मुस्लिम लीग पार्टी की फरहत शेख वो ऑब्जेक्शन ले रही है। इस तरह से लाइट कनेक्शन था वो बंद कर दिया गया है फिलहाल अभी, लेकिन उनका कहना है कि होर्डिंग जो है वो नहीं लगा सकते, और आपके पार्टी के नाम के साथ में होर्डिंग लगाया गया है। वो कह रही है 10 दिन में अगर नहीं हटा तो हम जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहली बात तो मैं कोई ऐसी पार्टी को जानता ही नहीं, ना मैं ऐसे किसी लोगों को जानता हूँ। रही बात यह कि आपके इस सवाल पे इतना ही कहना चाहता हूँ, उसके अंदर अगर हमने उसको और बना दिया खूबसूरत, वहाँ पे हमने LED बस स्टॉप बना दिया जो थाने में नहीं है, क्या गलत किया मैंने? अरे हमारे शहर के लिए, हमारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अगर बस स्टॉप पे LED लगा दिया तो क्या गुनाह किया मैंने? सवाल करता हूँ ऐसे लोगों से जो लोग ऐसे सवाल हमारे बारे में करते हैं। मुझे मेरे बारे में, लेकिन वो बंद भी हो नहीं, सर सुनिए ना,
बंद नहीं हुआ है सर। लाइटें बंद? सर सुनिए ना, हम बताते हैं आपको, पूरा बताते हैं डिटेल आपको। कोई बंद नहीं हुआ है, क्योंकि उसका एक रीजन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज शेड बस स्टॉप लगे हैं शहर के अंदर, अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि शहर उससे और भी बढ़ रहा है स्मार्टनेस की तरफ। आप देखिए वहां पे जाकर के हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी खाला, हमारी चाची, हमारे बुजुर्ग भाई जो जाकर के वहां बैठ करके उनको बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया, जाते हैं उनको इंडिकेटर दे दिया है कि बस कौन सी बस कहां कहां जाएगी। इतना अच्छा काम किया है इनको तो आकर के राष्ट्रवादी ऑफिस पे, भाई इनको आता हूं उस पे जाता हूं, उनको तो आकर के राष्ट्रवादी दफ्तर पे आकर के मेरा इस्तकबाल करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको मुबारकबाद का लेटर देना चाहिए। और आप लोग शहर का विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं? क्या आप जाकर के कहते हैं कि वो बस स्टॉप का शेड निकाल दो? अरे आपको बता दूं मैं, मालूमात की कमी है, मालूमात लो पहले पूरा। शमीम खान ने ऑफिशियल अपनी कंपनी का चेक दिया है सोल्यूशन का एडवर्टाइज कंपनी को। आपको ऑब्जेक्शन है कि वहां फोटो लगाए मिनिस्टर साहब का, तो आप भी किसी का लाके फोटो लगा दो, 3,17,500 पे कर दो। सोल्यूशन कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है टीएमटी की, अगर टीएमटी को पैसा मिलता है, उसको एक अमाउंट मिलता है, उसकी आमदनी बढ़ती है, तो इसमें नुकसान क्या है? और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, पहले बता दूं मैं आपसे, मेरे नेता वो तो जरूर हैं, लेकिन जिस कंपनी ने पेमेंट पे किया है उस कंपनी का नाम है नाइस वर्ल्ड, और नाइस वर्ल्ड कंपनी जिसका मैं डायरेक्टर हूं, उस कंपनी के वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ब्रांड एम्बेसडर है इस्लामुद्दीन साहब, आपके सवाल का ये जवाब है। उन्हें मालूमात की कमी, उनको बता दीजिए आप, ये सब बातें करना बंद कर दें कि शमीम खान पे केस बना दो, दर्ज करा दो केस, ये कर दो वो कर दो। बस स्टॉप पे जो होर्डिंग लगी है उसमें नाइस वर्ड प्रोजेक्ट का कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, एनसीपी पार्टी का जिक्र है। ठीक है, अच्छी बात कहा आपने। अरे भैया मैंने आपसे कहा कि नाइस वर्ल्ड कंपनी जिसका शमीम खान डायरेक्टर है, इत्तेफाक से वो राष्ट्रवादी का अध्यक्ष भी है, इत्तेफाक से वो उसके नेता भी है। तो अगर मैं सुनिए ना, अरे शमीम खान जहां है तहां पे नाइस वर्ल्ड कंपनी है, और जहां पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र का फोटो लग गया है, वो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे कंपनी के, तो नाइस वर्ल्ड है। ये कहने की जरूरत क्या हमको लोगों को, वो दिखाने की जरूरत हमको क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तकलीफ है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने आपसे कहा भी है कि ये बैनर आप हटा ले, आप लोग को सने हटा ले, कहेंगे हमसे ऐसा हो, ऐसा हमें क्यों कहेंगे वो कि हमें वो बैनर हटा लो? उनसे सवाल कर लूंगा मैं, पैसा मुझसे किस बात का लिया है चेक से, हमारी कंपनी से? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये छोटी मोटी राजनीति करना बंद करो। शहर डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के साथ मिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो और शहर की तरक्की में आकर के अपना हिस्सा दो, और अपना हिस्सा दो, इंशाअल्लाह ताला शहर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और डेवलपमेंट होगा। ये छोटी मोटी बातें करना कि बैनर निकाल दो, बस स्टॉप निकाल दो, लाइट बंद कर दो, क्या चाहते हो शहर के बारे में? अगर शहर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, शहर में अगर कोई रेती बंदर पे आता है उसको LED बस स्टॉप दिखता है, तो आपको तकलीफ होती है? कैसी राजनीति करते हैं आप लोग? छोटी मोटी राजनीति करना बंद करो, अच्छे कामों की सराहना करो। और शमीम खान का आकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ऊपर, वो TMT का मेंबर है, उसने एक अच्छा काम अगर किया है, तो आकर के उसे एक मुबारकबाद का लेटर दो, उसको आकर के उसको मुबारकबाद दो।